रायगढ़ जिले में भेंट मुलाकात करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर विरोध किया गया। लहलुंगा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित रहे भेंट मुलाकात के कार्यक्रम को लेकर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत सहित जिले के पूर्व पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता इस दौरे का विरोध करने निकले थे। तभी पुलिस ने रास्ते में पार्टी अध्यक्ष सहित अन्य को रोककर उनके विरोध के सिलसिले से पहले ही सभी को गिरफ्तार कर लिया। लहलुंगा में सीएम के कार्यक्रम का विरोध करने के अलावा उनको काला झंडा दिखाने की रणनीति भाजयुमो नेता ने बना रखी थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने पहले ही कर ली थी। विरोध के दौरान गिरफ्तारी करने के समय कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर जुमाझटकी भी हुई और गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पार्टी नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी है जो जन घोषणा पत्र बना रही थी, और जन घोषणा पत्र एक तो झूठ के पुलिंदा है। जो भूपेश बघेल है, हर जन घोषणा पत्र ला गंगा जल में कसम खा के एक वादा कर रही है कि युवा मल्ला रोजगार दे, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दे, अनियमित कर्मचारी मल्ला नियमित कर वो, वरिष्ठ नागरिक मल्ला पेंशन बढ़ा के दे वो, ऐसे कई प्रकार के वादा रही जेकर तो आज तक पूरा नहीं हुई से, जेकर विरोध में भूपेश बघेल आज लहलुंगा आगमन होते तो हम ओकर काला झंडा दिखा के ओकर स्वागत करत हन। भूपेश बघेल या तो वादा निभाए या फिर वापस जाए, यहाँ ठग लबारी नहीं चलने वाला है। छत्तीसगढ़ के युवा जाग चुकी से, भूपेश बघेल जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ बोला काला झंडा दिखाते, हम आज काला झंडा दिखाबो। पुलिस प्रशासन अपन काम करा थे, अपन पुलिस और जेल कोर्ट का छेड़ ले युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नहीं करने वाला। जी भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि भगत द्वारा और नीतीश मटकू द्वारा सीएम साहब के कार्यक्रम के दौरान शांति भंग करने की आसूचना हमें मिली है, जिसके आधार पर हमने अपनी पर्याप्त बल यहाँ पर लगाया हुआ है। हम यहाँ पर सतर्क हैं और किसी भी प्रकार का ग्रुप अगर पुलिस अगर शांति व्यवस्था भंग करने का या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का काम करता है तो निश्चित उस पर जो आवश्यकता अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाएगी। और पहला प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम समझाइश दें और इस प्रकार का किसी भी कानून व्यवस्था भंग करना।